हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज हब से पढ़ो फील फ्री टू लर्न। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम ओवरहेड वेरिएंस के बहुत सारा पार्ट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। फॉर्मुलेस वी हैव डन कि ओवरहेड में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कौन कौन सा कंटेंट हमें पढ़ना है, कौन कौन से फॉर्मुले बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें कवर करने हैं वेरियंस एनालिसिस के अंदर। कल हमने ओवरहेड वेरियंस को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, उसमें हम फॉर्मुले भी पढ़ चुके हैं, उसमें मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे। एक मैंने क्वेश्चन आपको होमवर्क से दिया था और एक मैंने खुद से कराया था। आज मैं आपको कराने वाली हूँ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कुछ और 2019 की जो आरसी आई थी जिसमें कि आपके दो क्वेश्चन थे ओवरहेड वेरिएंस से रिलेटेड, वो मैं आपको आज कराने वाली हूँ। आई जस्ट होप कि आपने कल वाली वीडियो देख ली होगी और अब हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं आपको उसको सॉल्व करते हुए कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास न्यूमेरिकल नोट हुए हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मतलब फॉर्मूले नोट हुए हुए हैं ना, तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बाकी मैं हूँ आपको समझाने के लिए। तो चलते हैं सीधा फ्रेंड्स क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। पहला क्वेश्चन है ये आज का, पहले मैं ये कराऊंगी आपको, देन कल वाली एक आरसी कराऊंगी जो हमारे पेपर में आई थी। एक क्वेश्चन आपका एज यूजुअल होमवर्क में रहता ही रहता है, कुछ होमवर्क तो बनता है, तभी तो हमें पता चलेगा कि हमें आया है या नहीं आया, राइट। देख लेते हैं इस क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है। कैलकुलेट द वेरिएबल ओवरहेड वेरियंस, वेरिएबल की बात कर रहा है, फिक्स की बात नहीं कर रहा है। लेकिन अब मैं आपको फिक्स भी कराना चाहूंगी इसमें, क्योंकि अब आप देखो इसमें आउटपुट बता रखा है हमें, आर्ट बता रखे, ओवरहेड बता रखे, फिक्स भी और वेरिएबल भी। इस क्वेश्चन में सिर्फ वेरिएबल ओवरहेड वेरियंस पूछ रहा है, लेकिन अगर मैं कहूँ आपसे कि आप फिक्स ओवरहेड वेरियंसिस भी निकाल के बताओ, तो आप निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो, क्योंकि इस क्वेश्चन में फिक्स वाली इंफॉर्मेशन भी गिवन है और वेरिएबल वाली इंफॉर्मेशन भी गिवन है। पहले मैं आपको वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस की सारी कैलकुलेशन करके दिखाऊंगी, देन वी विल मूव टू द फोर्थ। तो वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए, पहले मैं आपसे पूछूंगी कि मुझे क्या क्या वेरिएबल चाहिए होते हैं। चार चीजें मुझे इसमें से डेटा में से कलेक्ट करके मुझे नीचे फिल करनी होती है। वो चार चीजें कौन सी थी, हमने कल पढ़ी थी। एक तो था स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल आउटपुट, आपके पास फॉर्मूले ऑलरेडी नोट होंगे ना, कल मेरी जो वीडियो थी उसमें सारे फॉर्मूले क्लियर थे। मैं आज आपको सीधा क्वेश्चंस करा रही हूँ जिससे कि आपको जो फॉर्मूले लिखवाए वो आप आज अप्लाई कर सको। तो स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल आउटपुट का फॉर्मूला क्या था, बजटेड आर्स अपॉन बजटेड आउटपुट इनटू एक्चुअल आउटपुट, यही मेरा फॉर्मूला बनता था। तो बजटेड आर्स कितने हैं हम पर, 5000। आप देखो ये दे रखा है आर्स और ये दे रखा है बजटेड वाली टेबल, ये बजटेड की टेबल है, ये एक्चुअल टेबल है। तो बस यहाँ पे कितने आर्स है, बजटेड वाले 5000 और एक्चुअल वाले कितने हैं, 4500। तो 5000 अपॉन कितना आउटपुट बजटेड है मेरा, 20000। कितना है, 20000, तो नीचे आ गया 20000। अब देखो आउटपुट जो एक्चुअल में कितना है, 19000 कंपनी ने एक्चुअल में बनाया है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 475, कितना मिलेगा आपको, 4750 जब आप इसे कट करते हैं। अब पहली चीज निकल गई स्टैंडर्ड आर्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, दूसरी चीज क्या निकालते हैं हम, स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, बजटेड आर्स क्या पढ़ा था हमने बताइए, बजटेड ओवरहेड, क्या पढ़ा था हमने यहाँ पे, बजटेड ओवरहेड नॉट आर्स अपॉन बजटेड आउटपुट इक्वल टू बजटेड ओवरहेड। देखो पहले वेरिएबल की टेबल बनवा रही हूँ मैं आपसे, तो आप कौन सी चीजें देखेंगे, वेरिएबल से रिलेटेड देखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है ओवरहेड, ऊपर लिखा था फिक्स, नीचे लिखा था वेरिएबल, तो मैं कौन सी वाली चीज को देखूंगी, वेरिएबल वाली चीज को देखूंगी। तो बजटेड ओवरहेड कितना है, 5000, कितना आया मेरा, 5000। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 5000, और बजटेड अपना नीचे जो था मेरा वो कितना है, बजटेड आउटपुट कितना है मेरे पास, 10000 है। बजटेड बताओ आप, बजटेड आउटपुट कित, बजटेड नीचे आर्स आना है, एक मिनट, यहाँ पे क्या आता है फॉर्मूले में, बजटेड आर्स, आई विल पुट द वैल्यू ऑफ बजटेड आर्स, वो मेरी कितनी है क्वेश्चन के अंदर, बजटेड आर्स है 5000। इसको कट करो, देखो आपको क्या मिलता है, 1। तो स्टैंडर्ड रेट हो गया, स्टैंडर्ड आर पर एक्चुअल आउटपुट हो गया। अब मुझे चाहिए एक्चुअल्स आर, क्या चाहिए, एक्चुअल आर। क्वेश्चन में देखो आपको आर दे रखे थे बजटेड और एक्चुअल भी, एक्चुअल कितना बता रखा था, 4500, आप यहाँ पे लिखेंगे 45। अब इसके बाद एक चीज और लिखनी होती है, वो मेरा क्या आता है, एक्चुअल ओवरहेड, क्या चीज आती है मेरे पास, एक्चुअल ओवरहेड। इसको सॉल्व करो, देखो एक्चुअल ओवरहेड आपको कितना दे रखा है,
ओवरहेड पे आ जाओ, वेरिएबल वाला देखना एक्चुअल में कितना लग रहा है उसके पास, 4800 लग रहा है, 4800। सारी चीजें जितनी भी लिखोगे वेरिएबल की लिखोगे पहले, क्योंकि मैं पहले क्या फाइंड कर रही हूँ, वेरिएबल ओवरहेड वेरियंस कैलकुलेट कर रही हूँ, तो आपको भी सारी इंफॉर्मेशन किसकी लिखनी है, वेरिएबल की लिखनी है। ठीक है, अब मेरे पे तीन फॉर्मूले होते हैं वेरिएबल निकालने के, वेरिएबल एक्सपेंसेस निकालने के तीन फॉर्मूले होते हैं। कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं हमारे, एक होता है VOCV, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। ये क्या होता है, स्टैंडर्ड आवर्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल ओवरहेड, एक्चुअल ओवरहेड, एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट, या ओवरहेड लिख लो कुछ नहीं ज्यादा है, एक्चुअल को। अब हमने निकाला स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट कितना निकाला है, 4750। SR कितना निकाला था अभी हमने, 1, जो आपने पहले कैलकुलेट किया है ना, सिर्फ वही सारी वैल्यूज में यहाँ पे पुट कर। एक्चुअल ओवरहेड अभी हमने कितना निकाला, 4800। इसको सॉल्व करो, देखो आपके पास कितना आता है, 4750 में से आप माइनस करोगे 4800 को, तो आपको मिलेगा 50 रुपीज। किसका, एडवर्स का, माइनस का। क्यों मिलेगा, क्योंकि 4800 माइनस का है, दैट मीन्स मेरा जो वेरियंस आ रहा है वो एडवर्स आ रहा है। अब इसके बाद हम क्या निकालते हैं, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। इसका क्या फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड एक्चुअल आर, ब्रैकेट में माइनस करते हैं हम इसको एक्चुअल ओवरहेड के साथ, एक्चुअल ओवरहेड के साथ बस वैल्यूज रख दो। स्टैंडर्ड रेट अभी मैंने निकाला 1, एक्चुअल आर्स कितने लग रहे थे कंपनी को, 4500 बनाने में, और एक्चुअल ओवरहेड अभी हमने निकाला है 4800। इसको सॉल्व करने पे आपको कितना मिलता है, 300 मिलता है। किसका, नेगेटिव का, इसका नेगेटिव का, क्योंकि यहाँ पर भी मेरा 4800 माइनस का था, दैट मीन्स एडवर्स आ रहा है। अब हम निकालते हैं वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। कौन सा वेरिएंस, एफिशिएंसी। इसका क्या फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल आवर, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, स्टैंडर्ड रेट्स। ठीक है, अब इसकी वैल्यूज पुट करिए आप, आपके पास जो जो वैल्यूज हैं अभी आपने जो हमने कैलकुलेट करी, माइनस का 4500, इसको सॉल्व करोगे जब आप पहले माइनस करोगे यू विल गेट 250, और इसको 1 से इंटू करूंगी तभी मुझे 250 मिलेगा। अब ये मेरा क्या बनता है, फेवरेबल का बनता है। तीनों चीजें मैंने निकाल दी वेरिएबल। ठीक है, अब इसमें क्या करना है भाई, चेकिंग कर लेते हैं कि मैंने जो करा है वो सही भी किया है, एक बार चेक तो कर लेते हैं। चेक करने का क्या तरीका है, एक लाइन थी हमारे पास, वो लाइन क्या है, VOCV इक्वल टू VO एक्सपेंडिचर वेरिएंस प्लस VO एफिशिएंसी वैल्यू। इसी को तो मैंने कहा था आप चेक करके देखना। अब देखो जो वैल्यूज है आप इसको रखो, इसकी वैल्यू थी 50 एडवर्स, यहाँ पे कितना था 300 एडवर्स का, और यहाँ पे कितना है मेरा 250 फेवरेबल। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करते हो, देखो जब आप इस पार्ट को सॉल्व करोगे, मतलब 300 मेरा माइनस का है, 250 मेरा प्लस का है, तो जब आप इसे सॉल्व करते हो तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 50 एडवर्स का मिलेगा, राइट। और मेरा दोनों क्या हो गया, आपस में क्या आ रहा है, ये इक्वल आ रहा है, दैट मीन्स मेरी सारी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक करी है। अब ये मैंने सारी कैलकुलेशन किसकी करी है, वेरिएबल की, बट अब मुझे किसकी करनी पड़ेगी, फिक्स्ड की भी, क्योंकि मैं आपको ये फिक्स्ड में भी कराना चाह रही हूँ एक बार क्वेश्चन। तो अब मैं फिक्स्ड पे आ जाती हूँ डेटा कलेक्ट करने के लिए, मैं यहीं पे आपका सॉल्व कर दूंगी, आप फॉर्मूला चाहे अपने आप से लगा लें। ठीक है, फिक्स्ड के लिए कैलकुलेशन करते हैं फ्रेंड्स, और हमें इसमें क्या निकालनी होती थी, 5 चीजें। कल मैंने आपको बताई थी वेरिएबल में हम 4 चीजें कैलकुलेट करते हैं, फिक्स्ड में मैं 5 चीजें कैलकुलेट करती हूँ। वो क्या क्या करती हूँ देख लेते हैं। स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल आउटपुट निकालते हैं पहले, वो तो सेम ही रहता है, स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल आउटपुट सेम ही रहता है, चाहे वेरिएबल हो चाहे फिक्स्ड हो। तो मैं यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए 4750 लिख लेती हूँ, डन। अब मुझे निकालना होता है क्या, स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट का फॉर्मूला क्या होता है, बजटेड ओवरहेड अपॉन बजटेड आवर। वैल्यू रखो, वैल्यू रखने के लिए बजटेड ओवरहेड देखो कितना है, बट अभी हमने यहाँ पे रखा था वेरिएबल का, अब मैं कैलकुलेशन कर रही हूँ फिक्स्ड की, तो देखो बजटेड ओवरहेड फिक्स्ड वाले का कितना गिवन है आपको, 10,000। तो यहाँ पे आप ऊपर क्या रखोगे, 10,000, और आज तो आपके पास 5,000 थे, तो बस यहाँ पे सॉल्व करने के बाद आपको कितना मिल गया, 2। यहाँ पे मुझे सॉल्व करने के बाद कितना मिली वैल्यू, 2।
अब आगे निकालते हैं, आगे के हमें निकालने के लिए चाहिए बजटेड आर्क्स। बजटेड आर्क्स क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है, आई नो मतलब मुझे जरूरत नहीं है इसको निकालने की, वो दे रखी है 5000 बजटेड आर्क्स, ये बता रखी है ना 5000। उसके बाद निकालना होता है एक्चुअल ओवरहेड, क्या निकालना होता है हमें, एक्चुअल ओवरहेड कितना खर्चा हो रहा है एक्चुअल, देखो एक्चुअल में ओवरहेड, बट कौन सा वाला लूंगी मैं, फिक्स वाला लूंगी, तो एक्चुअल में खर्चा कर रही है कंपनी 10500 का, 10500 का। अब एक चीज और निकालनी होती है, वो होती है बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड। अब बताओ बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड कितना होगा, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड क्वेश्चन पढ़ लो, अभी तो मैंने एक्चुअल बताया था, अब फिक्स्ड बता दो आप कितना आएगा, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड कितना है 10000, तो यहाँ पे कितना आ गया मेरा 10000। सारी वैल्यूज निकाल चुकी हूँ, बस तुम्हें तीन फॉर्मूले लगाने हैं, वो अब आप कर लेना क्योंकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में स्विच करना चाहती हूँ। सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पे ऑलरेडी आ चुकी है, आप कौन कौन से फॉर्मूले लगाओगे, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस का, देन फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस का, देन फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस का, ये तीन फॉर्मूले लगा लेना। इन्फॉर्मेशन मैंने आपको निकाल के दे दी, आप फॉर्मूला लगाना, आंसर देखना, जो आपका आंसर आए इसको प्रूफ करके देख लेना कि ये मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। प्रूफ कैसे करते हैं हम, एफ ओ सी वी किसके इक्वल होना चाहिए मेरा, एफ ओ वी वी प्लस एफ ओ एक्सपेंडिचर वेरिएंस इसके इक्वल होना चाहिए, सिंपल। अब मैं आ जाती हूँ फ्रेंड्स, ये मैंने आज आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन कराया था जिसमें मैंने वेरिएबल और फिक्स आपको दोनों निकलवाने सिखाए। अब मैं आपको कराऊंगी 2019 वाली क्या थी, आरसी थी, ये मेरी 2019 वाली आरसी है। अब तो आपको रट गई होगी ये टेबल, इतनी बार दिखा चुकी हूँ मैं आपको कि आपको ये टेबल ही ना रट जाए अब, है ना। तो आज इसका लास्ट दिन है, बस कर लेते हैं फटाफट, निपटा लेते हैं इसको जितना भी होता है। दो क्वेश्चन है इसके, दो क्वेश्चन हमारे पे आए हुए हैं पेपर में। एक क्वेश्चन आ रखा है ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस का, कल मैंने आपको जब पढ़ाया था ये ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस एक बात बताई थी, वो बात क्या बताई थी, वो मैंने आपको ये बताई थी कि जब भी आप वॉल्यूम देखो तो वॉल्यूम किस पे निकलता है, फिक्स्ड पे निकलता है, किस पे निकलता है, फिक्स्ड पे, क्योंकि वेरिएबल जब वेरिएबल वेरिएंस निकालते हैं तो वहां पे एफिशिएंसी देखी जाती है, फिक्स्ड के केस में हम वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। तो फिक्स्ड वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है बताइए फ्रेंड्स, फिक्स्ड वॉल्यूम, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, होता है स्टैंडर्ड आर्क फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस बजटेड आर्क ब्रैकेट में, इसको किससे इंटू कर देते हैं हम, स्टैंडर्ड रेट्स। इस फॉर्मूले को लिखना है मेरे को कि ये फॉर्मूला हमारा ये है, कल जो मैंने सारे फॉर्मूले कराए हैं आपको बस फॉर्मूला यहाँ नोट करना है। अब ये जो वेरिएबल चीजें हैं, ये 1 2 3 तीन चीजें चाहिए मुझे, आ जाओ यहाँ पे, क्या क्या चीजें चाहिए, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड आर्क फॉर एक्चुअल आउटपुट, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला हमारे पे था बजटेड आर्स अपॉन बजटेड आउटपुट इनटू एक्चुअल आउटपुट, यही तो ना, लगाओ जरा इसमें, ये अभी लगाएंगे फॉर्मूला, हम अभी लगाते हैं। और स्टैंडर्ड रेट निकालना है, स्टैंडर्ड रेट का क्या फॉर्मूला था हमारे पास, बजटेड ओवरहेड अपॉन बजटेड आर्स, बजटेड ओवरहेड अपॉन बजटेड आर्स, ये तो था हमारे फॉर्मूला, सेकेंड ये लगा लेंगे अब हम। थर्ड हमें निकालना है बजटेड आर, ये तीन चीजें निकालूंगी क्वेश्चन में से, फाइंड आउट करते हैं आरसी में से और फिर इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, देन चेक करेंगे हमारा क्या आंसर आता है, ठीक है। तो अब मैं देख लेती हूँ क्या आंसर आता है, फटाफट से देखते हैं क्या क्या चीजें हमारे आरसी में गिवन है। बजटेड आर, सबसे पहले मुझे देखना है कितना कंपनी बजटेड आर्स दे रही है, तो आर्स पर यूनिट देखो यहाँ पे दे रखा है, आर्स अलाउड पर यूनिट, एक यूनिट पे कितने घंटे अलाउ कर रही है कंपनी, 2 घंटे, ठीक। अब बजटेड प्रोडक्शन कितना हो रहा है, कितना मान के चल रही है भाई कंपनी प्रोडक्शन करेगी, 1200, कितना मान के चल रही है 1200, कितना 1200, ठीक। एक्चुअल प्रोडक्शन कितने का हो रहा है, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन कितने का हो रहा है, 1000, कितने का हो रहा है, 1000 यूनिट का एक्चुअल में हो रहा है, 1200 उसने माना है, एक यूनिट पे 2 घंटे अलाउ। अब आ जाओ अपनी यहाँ पे इसमें भरने की कोशिश करते हैं क्या क्या चीजें मुझे मिल गई हैं। सबसे पहले मैं बजटेड आर्स निकाल लेती हूँ, बजटेड आर्स कैसे निकालते थे इसका भी फॉर्मूला मैंने आपको दिखवाया था, क्या होता था, बजटेड आर्स पर यूनिट इनटू बजटेड आउटपुट, यही तो होता था। तो कितने, एक यूनिट पे कितने आर्स कंपनी अलाउ करी, 2, और बजटेड आउटपुट बना कितना दिए वो 1200, इसका मतलब मेरे पे ये वैल्यू कितनी आ गई, 24, 2, इज दिस क्लियर।
अब आ जाओ ऊपर बजटेड आर, देखो जो अभी हमने निकाला है वही रखते थे यहाँ पे 2400। कंपनी कितने का बजट मान के चल रही, कितने का आउटपुट बनाने की सोच रही है भाई, 1200 का। बनाती कितना है 1000, तो यहाँ पे मेरा स्टैंडर्ड आर्स कितना आ गया इस क्वेश्चन में 2000, कितना आ गया 2000। अब हमारी बात आती है स्टैंडर्ड रेट निकालने की। बजटेड ओवरहेड कितना खर्चा कर रही है, कौन सा खर्चा देखना है भाई मुझे, फिक्स वाला टेबल में देखना पड़ेगा मुझे ये वाला। देखो फिक्स ओवरहेड एप्लीकेबल कहीं तो दे रखा होगा, ये रहा फिक्स ओवरहेड बजट। फिक्स ओवरहेड बजट कंपनी का कितना है, कितना मान के चलती है 12000। तो मुझे यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपनी आरसी को बहुत ध्यान से देखना है, वैल्यूज निकालनी है, पुट करना है और आंसर लगाना है। तो बजटेड ओवरहेड मेरा कितना है यहाँ पे 12000, और कंपनी कितने घंटे मान के चल रही है वो देगी 2400। कितना मान के चल रही है भाई वो 2400। इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ 5, मिल गई मुझे सारी वैल्यूज, बस फॉर्मूले में लगा देती हूँ मैं। स्टैंडर्ड आर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट कितना था 2000, बजटेड आर्स कितने माने मैंने, कितने निकल के आया 2400, स्टैंडर्ड रेट कितना आया मेरे पे 5। इसको सॉल्व करने पे आपको 400 रुपये तो मिलता है एडवर्स में, 5 से इंटू कर लो कितना आता है 2000। ये मेरा आ रहा है ब्रैकेट्स में, तो ब्रैकेट्स का मतलब क्या है, ये मेरा आंसर किस चीज में निकल के आ रहा है, ये मेरा आंसर निकल के आ रहा है अनफेवरेबल, दैट मींस एडवर्स। देख लेते हैं आंसर भाई ऊपर दिख रहा है हमें कहीं, बिल्कुल दिख रहा है 2000 अनफेवरेबल, ये रहा मेरा आंसर। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ओवरहेड वेरिएंस कैसे बहुत टफ नहीं है, सिर्फ मुझे फॉर्मूले पता होने चाहिए, कौन से फॉर्मूले में कितनी चीजों की रिक्वायरमेंट है वो पता होने चाहिए। और आई जस्ट होप कि ये आपको प्रीवियस वीडियो से क्लियर हुआ होगा कि मैंने जो आपको चार्ट्स बनाए थे कि फिक्स में कितने निकलते हैं, उसके अंदर कितने सब पार्ट्स हैं और वेरिएबल में कितने सब पार्ट्स हैं, दैट्स इट, फॉर्मूले पता है, सॉल्व इजीली हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चार कवर हो गए, दो मटेरियल के, एक लेबर का, एक ओवरहेड का, ये लास्ट क्वेश्चन है मेरा 5th वाला, इसको और सॉल्व कर लेते हैं, देन हमारी आरसी फाइनली कंप्लीट होती है, आज हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा, तो इस अच्छी खुशी की बात कुछ नहीं होगी, कल से नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आएंगे, नेक्स्ट हमारे जो तरीके हैं उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ओवरहेड एक्सपेंडिंग वेरिएंस, स्पेंडिंग, स्पेंडिंग माने खर्चा करना, दैट मींस क्वेश्चन हमसे कह रहा है क्या निकालो भाई, एक्सपेंडिचर वेरिएंस निकाल के बताओ। अब एक्सपेंडिचर आपने फिक्स्ड में भी पढ़ाया है, मैंने वेरिएबल में भी पढ़ाया है, दोनों में पढ़ाया है, इसका मतलब ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि आप फिक्स वाला भी प्लस करना है यहाँ पे और वेरिएबल का, दोनों का ही वेरिएंस ही आपसे पूछ रहा है, ठीक है, दोनों को मिला के वेरिएंस बताओ। अब इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको इजी वाला तरीका बता देती हूँ, जो डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारा, डायरेक्ट चीज है अप्लाई करने का। सबसे पहले देखो डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं, डेविएशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर मैं बेसिक्स आपसे कहूँ तो डेविएशन फाइंड करना, वेरिएंस फाइंड करना कैसे कर सकते हैं हम, स्टैंडर्ड्स में से एक्चुअल माइनस कर, यही तो पता चलेगा। 1000 रुपये मैंने मान के चल रही थी, लग गए 800 रुपये, तो 200 रुपये का मेरा फर्क आ गया, 200 रुपये का डेविएशन आ गया, तो स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल करूंगी तो मुझे वेरिएंस पता चल जाएगा। यही सिंपल जो चीज है वो मैं इस तरीके से सॉल्व कर। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड एक्सपेंडिचर बताते हैं, एक्सपेंडिचर कितना माने, फिक्स वाला भी और वेरिएबल वाला भी, पहले स्टैंडर्ड्स की बात कर लेती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन पे आ जाते हैं, हम देखते हैं क्वेश्चन में स्टैंडर्ड कितने कह रहे हैं, फिक्स्ड वाले, तो फिक्स्ड ओवरहेड बजट कितना कह रहे हैं वो 12000, ये तो मेरे को पता है, फिक्स्ड वाला कितना कह रहा है वो 12000, ये तो हो गया मेरा फिक्स्ड। अब स्टैंडर्ड्स में ही आप बात करो वेरिएबल की, वेरिएबल देखो, वेरिएबल ओवरहेड कितना अप्लाई कर रही है कंपनी, कितना दे रही है 2 रुपये पर यूनिट, और कितनी यूनिट बन रही है मेरी एक्चुअल में, 1000 यूनिट बन रही है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ये 2000, आपको समझ आया 2000 मैं कैसे लेके आई, 2 पर यूनिट कंपनी मान के चले कि वो वेरिएबल ओवरहेड के चार्जेस देगी, ठीक है। अब कंपनी प्रोडक्शन कितना करिए, 1000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करिए ना, तो मुझे 2 को 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए मेरे को मिल गया ये 2000, और टोटल एक स्टैंडर्ड कॉस्ट जो मेरी निकल के आई है वो आ रही है 14000। तो मैं यहाँ पे पुट कर लेती हूँ इस चीज को, फिक्स मेरा तो दे रखा था 12000, और ये जो वेरिएबल है ये मैंने कैसे निकाला, 2 रुपये 1 यूनिट का था, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आई विल गेट व्हाइल सॉल्विंग दिस मुझे ये मिल जाएगा 14000। अब
एक्चुअल की बात कर लेते हैं, किसकी एक्चुअल एक्सपेंडिचर उसको कितना लग रहा है, ये भी फिक्स्ड की भी बात होगी यहाँ पे भी और वेरिएबल की भी बात होगी, दोनों ही बात होगी। क्वेश्चन में आरसी में आ जाओ, देखते हैं क्या कह रहा है। देखो यहाँ पे डायरेक्ट बता रखा है कॉस्ट ऑफ वेरिएबल ओवरहेड कितना है 2352 एंड कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड बता रखा है 1285, डायरेक्ट बता रखा है आपको कॉस्ट बता रखी है, तो इसमें तो मुझे फालतू दिमाग चलाने की जरूरत ही नहीं है। फिक्स्ड वाला वो कह रहा था कितना, फिक्स्ड वाला वो आपको कह रहा है 12850 और वेरिएबल वाला वो आपसे कह रहा है 2352, इसको सॉल्व करने पे आपको मिलता है 15202, ये आपके पास आ गया है एक्चुअल। स्टैंडर्ड मैंने अभी निकाला, एक्चुअल ये निकल के आ गया। अब कुछ नहीं करना है, वेरिएंस का फॉर्मूला लगाते हैं जो डायरेक्ट वाला है। डायरेक्ट वाला कौन सा मेरे पे फॉर्मूला है, ये वाला। इसमें मैं पुट करने की कोशिश करती हूँ वेरिएंस का, डेविएशन का, ये जो मैंने अभी सॉल्व किया। यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करते हो देन यू विल गेट आपको मिल जाएगा यहाँ पे स्टैंडर्ड की वैल्यू कितनी आई आपके पास 14000 और देखो एक्चुअल की वैल्यू कितनी आई 1520। सॉल्व करो देखो आपको आंसर मिलता है 1202 नेगेटिव, दैट मींस एडवर्स, दैट मींस अनफेवरेबल। नेगेटिव मिल रहा है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया 1202 मेरा अनफेवरेबल आंसर निकल के आता है। और ये मेरा कौन सा सही आंसर दिख रहा है भाई मेरे को, 1202 मेरा बन जाता है क्वेश्चन का आंसर, जो कि मेरा था इसका सही आंसर। बस हमारे सारे के सारे चीजें कवर हो जाती हैं आज, ओवरहेड वेरिएंस भी कवर हो जाता है, एक क्वेश्चन एज यूजुअल आपका होमवर्क बन जाता है जो मेरे को देना अच्छा लगता है। आप करते हैं तो मेरा मुझे पता चलता है कि आप भी एक्टिव हैं एंड यू आर टेकिंग दीज क्लासेस सीरियसली, तो आपको भी पता चलता होगा कि आपको कितना आया इन क्वेश्चन को सॉल्व करके। तो इस क्वेश्चन में भी बस कुछ नहीं करना है आपको, इस क्वेश्चन में देखो वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस निकालना है। वेरिएबल में कितने वेरिएंस आते हैं, तीन। कौन कौन से, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। चेक करना, आंसर निकालना और बताना कि या तो ये सही होगा या फिर ये सही होगा, इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन ठीक होगा। इन चीजों को निकालने के लिए इससे पहले चार चीजें जरूर निकाल लेना, वो चार चीजें कौन कौन सी है हमारी, स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आर्स एंड एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट। ठीक है, इसमें से ये पुट कर लेना आप, आपको इजीली आपको पता चल जाएगा कि क्या आंसर होना चाहिए। नहीं आएगा तो मैं हूँ आपके लिए, वी विल सॉल्व इन द नेक्स्ट क्लास टू। मिलते हैं आपसे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग द वीडियो, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस चीज को समझ सके। जिनको फिनेंस से डर लगता है, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि उनका जो ये फोबिया है वो रिमूव कर सकूं, तो बस आप उनको तक भी ये चीजें पहुंचाइए जिससे कि वो भी अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सके। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो उन्हें भी कवर कीजिए, और अगर इसके रिगार्डिंग अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो यू कैन कमेंट एंड आई विल शेयर ऑन द टेलीग्राम ग्रुप। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जो है हक से वो आपको इजीली मिल जाएगा। इसका लिंक भी मैं आपको वीडियो के नीचे डाल दूंगी, और नहीं तो आप टेलीग्राम पे जाओगे इजीली इसे लिखोगे आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर और पढ़ते रहिए, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, टारगेट जेआरएफ हमारा दूर नहीं है। बाय बाय।